वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, सो डेट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था है वो इसका जस्ट अपोजिट है, कन्वर्जन है इसका, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करवा रहा हूँ, वो आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स इक्वल हैं और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आपको बताना है कि वो स्क्वायर है, जस्ट अपोजिट। फोर्थ वाले में स्क्वायर दे दिया था, आपको बाइसेक्ट प्रूव करना था, और इस वाले क्वेश्चन में बाइसेक्ट दे दिया, आपको स्क्वायर लेकर आना है, यानी कि उसकी चारों साइड को आपको इक्वल प्रूफ करके लेकर आना है। तो आप सेल्फ करिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन क्वेश्चन नंबर 6 दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरलाग्राम, एक पैरलाग्राम ए बी सी डी दिया हुआ है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए पर, आपको प्रूफ करके बताना है कि ये एंगल सी पर भी बाइसेक्ट करेगा और ए बी सी डी रोम्बस है। आपको ए बी सी डी को रोम्बस प्रूफ करना है, यानी कि इसकी चारों साइड को इक्वल बताना है, और फर्स्ट में आपको एंगल सी को बाइसेक्ट बताना है, ठीक है। एंगल सी को बाइसेक्ट कब बता सकते हैं, जब आप एंगल 3 और 4 को इक्वल बता देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो आपको 3 और 4 को भी इक्वल लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन में दिया है ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम एंड डायगोनल ए सी गिवन एंड एंगल ए बाइसेक्ट, ठीक है। प्रूफ में आपको लिखना है इट बाइसेक्ट एंगल सी, ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, एंड ए बी सी डी इज रोम्बस, ये दो चीज़ आपको प्रूफ करके बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज। तो जैसा कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है क्योंकि ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है। जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करेगा तो दोनों एंगल इक्वल आएंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, किस से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फिर तीसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ये भी किससे, अल्टरनेट से, डायग्राम में दिख ही रहा है, तो ये किससे हो जाएगा, अल्टरनेट से, इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को यदि हम ध्यान से देखें, 1 इक्वल है 2 के, 2 किसके इक्वल है 4 के, और 1 किसके इक्वल है 3 के, तो ये सभी तो आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दी। अब 3 और 4 इक्वल आ गए हैं, तो 3 और 4 के इक्वल आने से हम कह सकते हैं कि ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को भी, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में हमें रोम्बस प्रूफ करना है इसे, तो रोम्बस प्रूफ करना बहुत ही ईजी है। जब चारों एंगल इक्वल है तो उनके आमने सामने की साइड भी इक्वल होगी। जैसे एंगल 1, एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, सी डी है, तो वो इक्वल हो गई। एंगल 2, एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी है, ठीक है, तो वो इक्वल हो गई। एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी है, ध्यान से देखिए, एंगल 3 के सामने वाली साइड ए बी है, ठीक है, और एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन सी है, ए डी है, तो ये चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब चारों साइड इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ रोम्बस। आपको पीछे लिखना पड़ेगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, मतलब किसी एंगल कि यदि इक्वल हो तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो यहाँ पर फिनिश होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज में हम मुझे सेंड करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 7, 8 भी आप मन से कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो सबसे बड़ा है वो करवा देता हूँ। चल बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट इन अ पैरलोग्राम ए बी सी डी टू पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू आर टेकन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी सी, शो दैट दिस 5 थिंग्स। आपको यहाँ पर 5 चीज़ें पूछी गई है, मैं बारी बारी से एक एक करके उसे क्लियर करता हूँ। पहले डायग्राम समझ लीजिए, एक पैरलोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हैं पी और क्यू, उस पी और क्यू को प्रोड्यूस किया तो बी डी एक क्या बनाया, डायगोनल बनाया। किस टाइप से बनाया, ताकि पी डी इक्वल हो जाए क्यू बी के, ये उसने सारी चीज़ें जी दी हुई है, ठीक।
आपको प्रूफ करके बताना है, कुछ चीज़ें आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करनी है, ठीक, कुछ सीपीसीटी से हो जाएगी। तो चलिए फर्स्ट करते हैं। गिवन में दिया है एबीसीडी इज पैरेललोग्राम एम पी डी इज इक्वल टू बी क्यू, ये उसने दिया हुआ है। प्रूफ में हमने लिखा, ये हमें प्रूफ करना है ए पी डी कॉन्ग्रेंस है सी क्यू बी के। ए पी डी और सी क्यू बी को इसमें ध्यान से देखिए आप डायग्राम में, ठीक। तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ दिखेगी डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, जो कि क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, गिवन में आ जाएगा। ए डी इज इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए ए डी इज इक्वल टू बी सी लिखा। और तीसरा पॉइंट, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी और एंगल बी को आप ध्यान से देखोगे तो जेड बनाएगा, वो जो कि अल्टरनेट एंगल होता है। तो बाय साइड एंगल साइड से ये हमारी फर्स्ट चीज़ प्रूफ हो गई। नाउ सेकंड, हमें पूछा है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है क्या। तो जब हमने इन दोनों ट्राइंगलों में देखा तो इसमें ए पी आ गया और यहाँ पर सी क्यू भी आ गया, यानी ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रेंस है तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू तो होगा, ठीक है। किससे? बाय सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था कि ए क्यू बी कॉन्ग्रेंस सी पी डी, अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है? पहले क्यू बी इज इक्वल टू पी डी, जो कि दिया है गिवन में। दूसरी चीज़ ए बी इज इक्वल टू सी टी, वही अपोजिट एंगल से। और तीसरा हमारा आएगा, यहाँ अपोजिट साइड कर लेना, सॉरी एंगल नहीं है यहाँ पर, अपोजिट साइड है, ठीक, इसको क्लियर कर लेना। ओके, नाउ थर्ड इज अल्टरनेट एंगल। एंगल क्यू और पी को आप देखोगे तो ये भी जेड बनाएगा, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो तीनों चीज़ें आ गई बाई साइड एंगल साइड से, तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये कॉन्ग्रेंस है। अब चौथी चीज़ पूछी थी, क्या ए क्यू इज इक्वल टू सी पी यू है? तो ए क्यू इसमें आ रहा है और सी पी इसमें आ रहा है, तो यस, बाय सी पी सी टी से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यस ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। नाउ हमारा लास्ट पॉइंट था कि क्या ये पैरेललोग्राम है सब, तो पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होती है। तो हमने देखा कि ए पी इज इक्वल टू है सी क्यू के, हमने लिखा फिफ्थ पॉइंट में ए पी इज इक्वल टू सी क्यू के, और ए क्यू इज इक्वल टू पी सी के है, यानी कि ए पी सी क्यू जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक, अंदर वाली आकृति। जब चारों साइड इसकी इक्वल हो गई तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिनिश होता है, ठीक है। अब अच्छे से देख लीजिए, नेक्स्ट आपको हम करवाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको बीच के जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो आपको खुद सेल्फ करने हैं, दो ही तीन ही क्वेश्चन हमने छोड़े हैं यहाँ पर, वो तीन क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं। आप कीजिए, उसे ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारी 8.1 एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। थैंक यू।